तीन फैंस क्लब के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का जन्मदिन। दिग्गीराज नाम के अक्षरों के बने नौ केक कटे। भोपाल मतीन फैंस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा बाणगंगा चौराहा पर बड़ी ही धूमधाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मतीन फैंस क्लब के अध्यक्ष व कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शेख मतीन ने बताया कि दिग्गी राजा नाम के अक्षरों से बनाए हुए नौ केक काटकर पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं मतीन फैंस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क सब्जी वितरण की गई। मतीन फैंस क्लब के अध्यक्ष शेख मतीन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस जन्मदिन के कार्यक्रम के अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता गण भारी संख्या में उपस्थित रहे तथा बाणगंगा चौराहे के आम जनता नागरिक जन भी भारी संख्या में उपस्थित रहे। आज हम भोपाल के पलास होटल में खड़े हैं जहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे तो उनका जन्म पूरे भोपाल में पूरे प्रदेश में बड़े जोर शोर से मनाया गया, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उनके नाम के अनुसार पूरे नौ केक यहाँ पे सजाए गए हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से पूरे भोपाल के पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का आयोजन शायद आज हुआ है। ये बड़ी गौरव की बात है कि आज भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए लोगों के लिए इतना प्यार है, इतना स्नेह है। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। आज पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जितने शब्द आ रहे हैं उसके केक गरीबों को फल सब्जी ये भी आपके सर आप लोगों ने जन्मदिन का युवाओं क्या संदेश देना चाहेंगे? आज युवाओं को एक ही संदेश है, जो आज युवा है ये बेरोजगारी फैसला डीजल पेट्रोल के भाव में महंगाई हो रही है, इन सबके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। युवाओं के बदले में बाजा दिया जाए तो गरीब मिलेगा, मेरा नाम शेख मतीन है, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से जिला उपाध्यक्ष हूँ और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिन हम लोगों ने यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया। जैसे कि उनके नाम के सारे अक्षरों का केक अलग अलग बनाए गए और यहाँ पर सब्जी फल ये लोगों में वितरण किए गए हमारे पूर्व मंत्री माननीय पी शर्मा जी के हाथ से। हम लोग हर साल ऐसे ही उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनके अच्छे जीवन की कामना करते हैं।